नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम तिपिका है। जैसा कि मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आ रही हूँ कंटिन्यू। सामान्य पेपर जनरल पेपर है ये, DSSB के लिए उपयोगी है, साथ के साथ KVS या फिर आप CTET, HTET किसी भी एग्जाम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यह हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप कहीं भी इसको पढ़कर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जब हिंदी की बात की थी तो वहाँ पर मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाया था, और शब्द विचार में मैंने आपको देशज, विदेशज और द्विज और संकर की बात की थी। मतलब हमने ये तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं। देशज में मैंने बताया था देश जमा ज, जो कि अपने देश में जन्मा हुआ होता है उसे देशज कहते हैं, और विदेशज का मतलब क्या है, जो विदेश में जन्मे हुए हैं। इसके साथ साथ द्विज और संकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम द्विज और संकर कहते हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस को आप लोग देख लें ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ सके। आज ये तीन जो पॉइंट है आज हम उनको कर रहे हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ, मैं हिंदी के शब्द विचार टॉपिक में से उत्पत्ति के आधार पर स्टार्ट कर रही हूँ, और उत्पत्ति के आधार पर मैं लास्ट क्लास में तीन टॉपिक करा चुकी हूँ जिसमें से देशज, विदेशज और द्विज और संकर मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं आपको अनुकरणात्मक, तत्सम और तद्भव के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले अनुकरणात्मक को समझ लेते हैं, होता क्या है अनुकरणात्मक। अगर हम इसे तोड़ने बिना तो अनु जमा करण जमा आत्मक हो जाएगा, ठीक है। इस शब्द को तोड़ेंगे अनुकरणात्मक तो अनु जमा करण जमा आत्मक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अनुकरण का मतलब अगर देखें तो इमिटेशन करना, किसी को फॉलो करना। पर किसको फॉलो करना है, ध्यान रखोगे यहाँ साउंड्स को फॉलो करते हैं। अनुकरण की एक डेफिनेशन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अनुकरण बोलते किसको हैं। तो अनुकरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना या किसी का कॉपी। पर किसका अनुसरण करेंगे यहाँ पे, ध्वनियों को अपनाना या ध्वनियों को आत्मसात करना या ध्वनियों का अनुसरण करना। एक डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे यहाँ पर कि वे शब्द जो ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बनाए जाते हैं, वे शब्द जो ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बनाए जाते हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे आसपास ध्वनियां हैं, जैसे एग्जाम्पल लोगे अभी हम इसको बोलते हैं पेन बोल रहे हैं, हर एक चीज़ का एक नाम है ना, अपना हाथ है या सारी चीज़ें हैं तो शब्द हैं ये। तो किसी को हम दीवार बोल रहे हैं, तो किसी को हम छत बोल रहे हैं, तो किसी को पंखा बोल रहे हैं, सबका अपना अपना एक नाम है, एक परिचय है। उसी तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। जैसे अगर मैं कहूँगी चूड़ी, चूड़ी का एक साउंड है, चूड़ी का साउंड क्या होता है, खनकना, खनखन करना। तो ये खनखन जो साउंड है उसका एक नाम रख दिया ना हमने, एक वर्ड बनाया खन खन। उसी तरीके से पायल की आवाज को क्या बोलोगे आप लोग, पायल की आवाज क्या है, छन छन। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि हाथी क्या करता है, हाथी का साउंड क्या है, तो चिंघाड़ना। तो कोयल क्या करती है, कूंकती है। तो ये जो साउंड्स के नाम जो मैं बोल रही हूँ इन्हें हम अनुकरणात्मक कहते हैं। शब्द विचार का मतलब है कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे हमने देशज, देश से आए उसको देशज कह दिया, विदेश से आए उसको विदेशज कह दिया। और जब दो भाषा के शब्दों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है, दो को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया रेलगाड़ी, तो इसको द्विज और संकर कह दिया। जैसे लाठी चार्ज है ना, लास्ट क्लास में सारी चीजें बताई थी। तो हम शब्द पढ़ रहे हैं, तो चौथा कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्या कहता है कि जो ध्वनियां हैं, जो साउंड्स हैं, उन साउंड्स को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, उसको भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। इसलिए एक और कैटेगरी बना दी जिसका नाम अनुकरणात्मक रख दिया। अब ये अनुकरणात्मक क्या था, जो ध्वनियों का अनुकरण कर बनाई गई हो, अनुसरण कर बनाई गई हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनुकरणात्मक। अब मैं आपको साउंड्स बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करोगे, मैं सारे साउंड्स यहाँ पे लिखूंगी नहीं, हाँ कुछ स्पेलिंग्स लिख दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है DSSB में आपको स्पेलिंग्स मतलब वर्तनी का चुनाव करने के लिए आपको आता है, तो वर्तनी के आधार पर मैं लिख देती हूँ। CTET में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, CTET में तो जनरली आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसके साउंड्स को क्या कहते हैं, खासकर PRT में बहुत बार पूछा गया। और अभी फिलहाल अगर DSSB का पेपर उठाओगे तो उसमें आपका इसका मैचिंग का साउंड आ रखा है, जिसमें मेरे ख्याल से उसका आ रखा है, ऊंट का नहीं शायद तक किसी का आ रखा है, हाथी का आ रखा है, या देख लेना किसी का, ठीक है।
तो इस तरीके से किसी का साउंड का मैचिंग का आ रखा है एग्जाम में, मैं भूल गई क्वेश्चन, नहीं तो बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनुकरणात्मक का मतलब है वो साउंड्स इफेक्ट को फॉलो करता है, कॉपी करता है। अब मैं कुछ साउंड्स बोल रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं तुमसे पूछूँ गाय क्या करती है, तो गाय का साउंड होता है रंभाना। तो क्या करती है गाय? रंभाती है। नो डाउन कर लोगे तुम लोग दोबारा देखकर, अभी सुनना चाहते हो सुनो पहले, ठीक है। तो गाय क्या करती है? रंभाती है। पर अगर मैं भैंस का पूछूं तो भैंस क्या करती है? चुकरती है। भैंस क्या करती है ना? चुकरती है। अगर मैं इसी आधार पे सांड का पूछूं तो सांड क्या करता है? सांड का साउंड है डकारता है। बड़े साउंड आपको बहुत कम मिलेंगे, डकारता है। साउंड क्या करता है, उसका साउंड क्या निकलेगा? सांड का डकारना, ठीक है। उसी तरीके से हाथी का क्या होता है? चिंघाड़ना। मैं लिख दे रही हूं जिनको दिक्कत होगी, हाथी का क्या हो जाएगा? चिंघाड़ना। अगर मैं ऊंट का कहूं तो ऊंट का क्या हो जाएगा? बलबलाता है। ऊंट क्या करता है? बलबलाता है, ठीक है। उसी तरीके से कोयल क्या करती है? कूंकती है। हंस क्या करता है? हंस कूंजता है। पपीहा क्या करता है? पपीहा पीऊ, ठीक है। उसी तरीके से शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है, ठीक है। मोर क्या करता है? मोर कैंकता है। गधा क्या करता है? गधा रैंकता है, ठीक है। दिल का साउंड क्या होता है? धड़कता है। दिल का साउंड क्या होता है क्या? धड़कता है। हवा सनसनाती है या सरसराती है। हवा का क्या लिख सकते हो आप? सनसनाती है या सरसराती है। घड़ी क्या करती है? टिक टिक। घड़ी का क्या है? टिक टिकाना। भौरा क्या करता है? भौरा गुंजारता है, ठीक है। झिंगूर क्या करता है? झिंगूर रात को एक आवाज आती है छन छन, पायल जैसी आती है, जैसे कोई चुड़ैल या भूती जो है वो पायल पहनकर घूम रही है, काइंड ऑफ साउंड आता है रात को, डर लगता है जैसे, उसे हम कहते हैं तो झिंगूर कहते हैं बेटा। झिंगूर का साउंड क्या होता है? झनकारना, ठीक है। उसके साथ साथ जो अगर हम लोग बात करें क्या कहते हैं उसे, मुर्गी, तो मुर्गी का क्या हो जाएगा? कुकड़ू कुक करना। और मुर्गा का क्या हो जाएगा? बांग देना। मुर्गा क्या करता है बेटा? बांग देता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें बंदर क्या करता है, तो बंदर सुअर, ये दोनों का साउंड सेम होता है, बंदर और सुअर की आते हैं। बंदर सुअर की आते हैं। अच्छा चूहा जो है, चूहा चू चू करता है। चूहा क्या करता है? चू चू करता है। चूहा चू चू करता है। पर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया चहचहाती है। कौवा क्या करता है? कौवा काए काए करता है या काव काव करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, और कौन से जानवर छूट गए भाई? हाँ अगर हम लोग हाथी हो गया, शेर हो गया, है ना, और किसकी बात करें, मोर भी हो गया, मोर कैंकता है, ठीक है। अच्छा बंदर का भी हो गया, किकियाता है, गधा रेखता है। और कोई जानवर छूट रहे भाई? सभी जानवरों की बात कर लेते हैं हम लोग। चलो एक दो और भी देख लेते हैं। जैसे ये क्या करते हैं? मक्खी क्या करती है? भिनभिनाती है। अच्छा कांच जो होता है वो क्या करता है? चटकता है। शीशा जिसको बोलते हो, चटकता है। बादल क्या होते हैं? बादल गरजते हैं, ठीक है। और बिजली क्या होती है? आप तो लोग कहोगे कड़कड़ाती है, बिजली कड़कड़ाती है, पर बेटा कौंधती वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिजली क्या करती है? कौंधती है, ठीक है। जूता क्या करता है? जूता चरमराता है। जूते का साउंड क्या होता है? चरमराना, ठीक है। अच्छा कपड़ा क्या करता है? कपड़ा और पंख फड़फड़ाते हैं। कपड़ा और पंख फड़फड़ाते हैं,
ठीक है। और क्या क्या हो गया हमारे पास, और भी बहुत सारे जानवर हैं, मुझे जो जी याद आ रहा है मैं लिखवाती जा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट लिखवा ही दिया है, शेर का लिखवा दिया, बाघ, हाँ बाघ का लिख लेते हैं, बाघ गुर्राता है, बाघ गुर्राता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे साउंड्स हैं अनुकरणात्मक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये भी लिख लोगे, खिड़की खड़कती है और दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठीक है, ये भी साउंड्स आपसे पूछी जा सकती हैं। और चूड़ियाँ खनकती हैं और पायल जो हैं वो क्या होते हैं, छनछनाती हैं, ठीक है। और हमारे पास मोर हो गया, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, कोयल हो गई, हंस का भी बता दिया मैंने, कूजता है, पपीहा पीहू पीहू बोलता है, ठीक है। अच्छा सुअर और बंदर का साउंड सेम लिखोगे, किकी आता है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सामने बीच में अगर कोई साउंड और मुझे याद आता है तो मैं आप लोगों को साथ के साथ बता दूंगी, अभी माइंड में नहीं आ रहा है कौन सा और छूट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये अनुकरणात्मक हो गया, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, साउंड इफेक्ट की बात करी। अच्छा ऊंट बलबलाता है लिख लिया है सबने, और हाथी चिंघाड़ता है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, तत्सम और तद्भव। ध्यान रखोगे मैंने यहाँ पर अब लास्ट टॉपिक जो है तत्सम और तद्भव उसकी बात कर रही हूँ, शब्द विचार में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे सीटेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, हर एग्जाम में आपको तत्सम तद्भव पूछता है। तो तत्सम तद्भव क्या है देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग छोटे वे में बात करें तो तत्सम कंपैरिजन करा रही हूँ, थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा, और एक तद्भव होता है, ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास। तत्सम को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तत् जमा सम, और तद्भव को तोड़ेंगे तो भी तत् जमा सम ही होगा, क्योंकि दोनों ही व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखोगे तत्सम भी व्यंजन संधि है और तद्भव भी व्यंजन संधि है। इसमें एक नियम है कि जो व्यंजन होता है वो अपने तीसरे वर्ण के साथ बदल जाता है, तीसरा वर्ण पहले वर्ण के साथ, पहला वर्ण तीसरे वर्ण के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो द है किसमें बैठे, त थ द, तो द का पहला वर्ण कौन सा हो जाता है, त, इसलिए यहाँ पे द त में बदल गया, व्यंजन संधि का नियम है, बाद में जब संधि पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, ठीक है, उसके समान। और तद्भव में क्या हो जाएगा, तत् का मतलब यहाँ भी क्या होगा, उससे, यहाँ सम लिखा है मैंने, यहाँ भाव होगा, ठीक है, तो उससे होना, उससे होना या उससे बनना। तो तत्सम का मतलब होता है कि वे शब्द जो जहाँ से जन्मे हुए हैं, जैसे कि मैंने संस्कृत से, या उसके समान होना, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव में क्या होगा, उससे होना या उससे बनना या उससे निर्मित होना। डेफिनेशन मैं बोल देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। तत्सम का मतलब होता है कि वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं परंतु हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं बिना किसी बदलाव के, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो कि अगर संस्कृत के शब्द को बिना किसी फेर बदल के एज इट इज हिंदी में यूज किया जाए, संस्कृत टू संस्कृत बोल सकते हैं इसको, संस्कृत से उठाया और संस्कृत में ही प्रयोग करने लगे, तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। बट वे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं परंतु आवश्यकता के अनुरूप उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तद्भव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संस्कृत से जन्मा परंतु आवश्यकता के अनुरूप किसमें बदल दिया गया, उसको हिंदी में बदल दिया गया। तो संस्कृत के शब्दों को एज इट इज प्रयोग करेंगे तो तत्सम, और अगर थोड़ा सा बदल देंगे तो तद्भव। तो सिंपल सा है कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं और हिंदी के शब्दों को तद्भव कहते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसका संस्कृत होना जरूरी है। अगर वो संस्कृत का ट्रांसलेट नहीं है, संस्कृत से बना हुआ नहीं, उस शब्द से निर्मित नहीं है, तो वो तद्भव नहीं कहलाएगा। तो जो भी तद्भव है उसका जरूर तत्सम होगा, ठीक है। पर ये नहीं है कि हर हिंदी शब्द का तत्सम होगा या हर संस्कृत शब्द का तद्भव होगा। जैसे अक्षी का तुम लोग आंख बोल सकते हो पर नेत्र या नयन नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब अक्षी का मैं वहां पर नेत्र लिख दूं तो तुम करेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि अक्षी का आंख ही निर्मित हुआ है और नयन का नेत्र हुआ है,
ठीक है, हस्त का हाथ हुआ है, कर्मी लिख सकते हैं आप वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पर्टिकुलर उसी शब्द से उसका निर्माण होना अनिवार्य है। अब इतना समझ आ गया होगा तत्सम तद्भव, कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ मैं आपको ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो तत्सम तद्भव में कुछ एग्जाम्पल्स करा देती हूँ, कुछ नियम भी आप देख सकते हो इसके, कुछ शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहला एक शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग में बैठा लो, दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है हमारा चंदा मामा, ठीक है। तो जहाँ भी चंदा मामा होता है, ठीक है, इसका मतलब जहाँ भी चंदा मामा लग जाए इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो यहाँ पे पहला आपको याद रखना है कि जहाँ भी अनुनासिक प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक मतलब चंदा मामा जहाँ लग जाए वो 100% तद्भव होगा। शॉर्ट ट्रिक है पर 100% है, इसका कोई अपवाद नहीं है, तो 100% वो तद्भव होगा। जैसे कि मीन्स अगर अक्षी है तो उसका क्या हो जाएगा, आंख। यहाँ देखो चंदा मामा लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ इन दोनों में से तत्सम कौन सा हो जाएगा, ये। पर हमें याद क्या करना है कि चंदा मामा जिस पे है वो तद्भव है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, आंख। उसी तरीके से मैं अगर तुम्हें यहाँ पे चंद्र लिखूं तो चंद्र का क्या हो जाएगा, चांद, है ना। अगर मैं यहाँ पे अंधकार लिखूं तो अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधेरा। अगर मैं यहाँ कंच लिख दूं तो कंच का क्या हो जाएगा, कांच, ठीक है। अगर मैं यहाँ सर्प लिख दूं तो सर्प का क्या हो जाएगा, सांप, ठीक है। और क्या क्या वर्ड है, और बहुत सारे वर्ड हैं। अगर कूप का लिखूं तो क्या हो जाएगा, कुआं। अगर मैं यहाँ पे कंच लिखूं, कंच का क्या हो जाएगा, कांच, ठीक है। धूम्र का क्या हो जाएगा, धुआं, देख रहे हो। तो जहां जहां ये चंदा मामा लगे हुए हैं वो सब क्या है बेटा हमारे, वो 100% आपके क्या है, तद्भव है। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में बैठा लोगे कि जहां भी चंदा मामा लगेगा वो 100% तद्भव होगा, क्लियर है सबको। और एक और शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो जहां पे ये क्ष आता है वो खा में बदल जाता है, जैसे अक्षर बोलोगे तो अखर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को भी आप लोग ध्यान रखोगे, रक्षा का राखी हो जाएगा। तो श को ख में बदलने की भी एक शॉर्ट ट्रिक आप दिमाग में बैठा लोगे, कई जगह आपको नजर आएगा कि श को किस में बदल रहे हैं हम लोग, ख में बदल रहे हैं। इतना समझ आ गया मेरे ख्याल से, क्लियर है, आगे बढ़े। अब दूसरा नियम हम लोग क्या देखते हैं, देखो दूसरा नियम कहता है कि जिस अल्फाबेट से तत्सम शुरू होते हैं उसी सेम अल्फाबेट से तद्भव भी शुरू होंगे। देखो यहाँ भी तुम्हें नजर आएगा अ अ च च अ अ क क, सेम अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, तत्सम जिससे शुरू होगा उसी से तद्भव भी शुरू होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अभी तुम्हें मैंने रक्षा बोला था, तो रक्षा का क्या हो जाएगा, राखी, है ना। उसी तरीके से अभी मैंने तुम्हें अक्षर कहा था, अक्षर का क्या हो जाएगा, अखर, है ना। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दीपावली बोलूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिवाली, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ले सकते हो बेटा, जो हस्त का हाथ हो जाएगा, ठीक है, नासिक का नाक हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेंगे सेम अल्फाबेट से शुरू होते हैं, बट कुछ अपवाद है बेटा, वो मैं अपवाद बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। और अपवाद मैं क्यों बताऊंगी, जब मैं तीसरे रूल के साथ बताऊंगी अपवाद क्या है। तीसरा रूल जो है हमारा, यहीं पे लिख देती हूँ। तीसरा नियम कहता है कि जहां भी आपके संयुक्त व्यंजन आ जाए, श, त्र, ज्ञ और श्र, और एक री आ जाए बेटा, ये पांच याद रखना, ये पांच जहां भी आ जाए ना, समझ जाना वो तत्सम है। कौन से वर्ड होंगे, वो तत्सम होंगे, तद्भव भी। तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया और सेम अल्फाबेट से शुरू होते हैं, तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो तुमसे पूछेंगे कि तत्सम कौन सा है या तद्भव कौन सा है, या फिर बोलेंगे इस तत्सम का तद्भव क्या होगा, इस तद्भव का तत्सम क्या होगा, ठीक है। इस तरीके का आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तद्भव पहचानना भी सीख लिया और तत्सम भी। पर ध्यान रखोगे ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिना पढ़े नहीं आएगा, शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत का ज्ञान हमें नहीं है, हम सिर्फ हिंदी को जानते हैं। जैसे अभी मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे नयन का क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे
तत्सम शब्द है। तो देखो कुछ वर्ड बताती हूँ जो कि ना इस नियम के मतलब इस रूल जो मैंने बताया है तुम्हें, सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, इसके अपवाद भी है, मतलब अगेंस्ट भी आंसर आते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें शीर बोलूं तो क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा, शीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। क्षेत्र बोलूं, दिख रहा है ना, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्षमा बोल दूं, देखो इनके वर्ड ज्यादा दे रही हूं मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो क्षमा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे श्रृंगार बोलूं तो यहाँ पे ये वाला श्रृंगार हो जाएगा, अल्फाबेट चेंज हो जाए ना। उसी तरीके से यहाँ पे श्रावण बोलूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ज्ञानी लिख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। ये एग्जाम में आए हुए बताएंगे, नोट डाउन कर लोगे और देख लोगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं ऋतु लिख दूं, ये वाला ऋतु लिख दूं, ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला ऋतु हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं हम लोग, और कोई वर्ड बताओ भाई, श्रम हो सकता है, जिसका श्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे शब्द तुम्हें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो अपोजिट हैं, मतलब होट, ओस्ट शब्द सुना होगा तुमने, ओस्ट, तो ओस्ट का क्या हो जाता है, होट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही गृह का क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, है ना। ये देखो तुम अपोजिट है तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको अपोजिट मिलेंगे, तो ध्यान रखोगे जहां भी ऐसे शब्द आ जाए। मैंने सबका एग्जाम्पल दे दिया, श्वका भी दे दिया, है ना, त्र का भी लिख सकते हो, त्रिशूल लिख सकते हो, ज्ञ से ज्ञानी वाला है, श्र से आपको बता दिया है, र से भी बता दिया, तो सबके एक एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। इसका मतलब ये अल्फाबेट जो है जहां भी आ जाए वो कौन से हो जाएंगे, आपके तत्सम हो जाएंगे बेटा। ये इधर वाले सब क्या है, तत्सम है। इसके साथ साथ जो ये वाला भी होता है बेटा, ये वाला भी जो पैरों में लगा होता है, जैसे ग्रे में लगा हुआ है, ठीक है, बहुत जगह देखोगे तुम यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ये धूम्र में लगा हुआ है, शर्प पे लगा हुआ है, तो र का कोई भी रूप हो, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे नीचे वाला हो, चाहे ऐसे वाला हो, तीनों पहचान रहे हो ना, जैसे ग्रह में ये वाला हो गया, गृह में ये वाला हो गया, गर्भ में, पर गर्भ नहीं होगा यहाँ पे, कर्म के अलावा हम लोग यहाँ पे कर्म ले सकते हैं, कर्म हो गया। तो ये जो लगते हैं ना री के स्वरूप, जो बदल बदल का प्रयोग कर रहे हैं री के रूप, ये री के रूप संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि री संस्कृत का ही शब्द है, ऋषि मुनि, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखोगे, ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लोग तत्सव तद्भव बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर पढ़िएगा, बिना पढ़िए नहीं आएगा इसको, आपको दो चार बार स्टडी करना है, रीड आउट करना है, बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास, उन बुक्स में एग्जांपल्स दिए होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा रीड आउट कर लो, मैं नहीं कहती कि रटना है, दो चार बार पढ़ोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा ये इनको, इनकी तत्सम है, ये तद्भव है। तो कुछ मैंने जो आपको पहचान बताई है इससे भी आपको काफी मदद मिल जाएगी, जैसे चंदा मामा लगा है तो तद्भव है, अगर क्षत्र ज्ञ श्र और री आ जाए तो तत्सम है, अगर ऊपर वाला रा आ जाए, नीचे री आ जाए या ग्रह आ जाए तो तत्सम है, है ना, सेम अल्फाबेट से पहचान सकते हो आप लोग। तो ऐसे कई शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी कर सकते हो आप, जैसे श का मैंने तुम्हें बताया था ख में बदल जाना, तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि कई जगह पे अगर ये आधा श या फिर ये वाले श जो आते हैं, ये भी आपके तत्सम शब्दों में ज्यादा प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे, रीड करोगे, तो तत्सम तद्भव भी बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। आज की क्लास में यहीं खत्म करती हूँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे रचना के आधार पर, जहाँ पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आपको सभी को समझ आ रहा होगा, लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें और शेयर भी करिए, थैंक यू।